राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी गाइडेंस। जैसे कि हमारी दिवाली की सीरीज़ शुरू हो रखी है, जिसमें मैंने दिवाली से जुड़े हुए बहुत सारे ऑस्पिशियस रिचुअल्स बताए हैं और साथ में बहुत सारे मंत्र और आपको ब्लेसिंग्स लेने के तरीके बता रही हूँ। तो आज जब हम बात कर रहे हैं माँ लक्ष्मी जी से जुड़े हुए रिचुअल्स के बारे में, श्री सप्तम का तो बात होना लाजमी ही है। तो आपको करना क्या है, दिवाली वाले दिन आपको श्री सुक्तम का पाठ करना है। श्री सुक्तम का आप जितना पाठ करेंगे उतनी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो आपको करना कैसे होगा, इसके लिए आप श्री सुक्तम को पाठ करने से पहले आपको गजलक्ष्मी का वो रूप जिसमें महालक्ष्मी बीच में विराजमान है, दो हाथी सूंड में अपने जल का कलश लिए हुए माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहे हैं, अगर वो चित्र आपके पास है, वो पिक्चर या वो फोटो आपके पास है, तो उसको आप विराजमान कीजिएगा। अगर नहीं है तो आँखों में वो चित्र विजुअलाइज करते हुए श्री सुक्तम का आपको पाठ करना है। श्री सुक्तम में 16 ऋचाएँ हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी अलग अलग ऐड भी हो रही हैं, कई कम भी कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो 16 ऋचाएँ हैं, 16 ऋचाएँ हैं, तो वो आपको पढ़ना है। और उन ऋचाओं को जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको कितनी बार पढ़ना है, 51 times पढ़ना है। 51 times पढ़ेंगे और ये आपको 40 days तक, 40 दिन तक पढ़िएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा चमत्कार। जी हाँ, ये टेस्ट एंड ट्राइड रेमेडी है, आप करके देखिएगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। अगर धनतेरस से शुरू कर सकते हैं तो धनतेरस से शुरू कीजिएगा, अगर धनतेरस से शुरू नहीं कर सकते हैं तो दिवाली वाले दिन से शुरू कीजिएगा। 40 days तक करना है, 51 times। इसमें एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप वो कर लेते हैं और सोने पे सुहागा हो जाता है, भोजपत्र लीजिएगा। भोजपत्र पे रेड कलर की इंक से या सिंदूर से, कुमकुम से, आप ये जो श्री सुक्तम है, ये श्री सुक्तम अपने हाथ से लिखिएगा और उसको फ्रेम करा के फिर उसका पाठ कीजिएगा, फिर आप देखिएगा रिजल्ट। जी हाँ, बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग दिवाली रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।